हेलो बॉयज़, कैसे हैं सब? बढ़िया बॉयज़। अभी मैं एलोरा कैब में हूँ। कल मैं आया था, बट ट्यूसडे था, सो बंद था। अभी जी एलोरा कैब को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं इतनी प्राचीन, इतनी ओल्ड आर्किटेक्चर कैसी है। टिकट काउंटर मुझे 40 रुपीज़ पड़ा, बट यहाँ पे फॉरेनर्स को 600 रुपीज़ पड़ रहा है। मेरे साथ एक फॉरेनर भी है, देयर सीज, तो उन्हें 600 रुपीज़ पड़ेगा। आप देख सकते हैं, फॉरेनर सिटीजन 600, इंडियन सिटीजन 400। सो यहाँ पर आपको एक कॉइन्स मिलेगा, वही आपको काम चलाना है। हाँ, इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है, आज ये देखने को मौका मिल रहा है सामने से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे एक पहाड़ को ऊपर से नीचे लेके एक मंदिर का शेप दिया गया है। सोचिए क्या आर्किटेक्चर होगी। सदगुरु जी बोलते हैं इसे 300 साल लगा है बनने में। कहाँ से? इटली। इटली, यस, फ्रॉम इटली वी आर ट्रेवलिंग टुगेदर। सो टेम्पल, ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल। एक पत्थर को, एक चट्टान को एक शेप दिया गया है। कितना मुश्किल रहा होगा, कितना टफ रहा होगा ये। ये जी आप देखें, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, ये सारी चीज़ें। जिस जगह लोग शिव है, तुम दिस ले। अच्छा लगेगा, बिकॉज कैमरा में दिखाना और रियलिटी में दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब एक 30 डिग्री व्यू देखें ऊपर सारी चीज़ों को गया है, बिकॉज ऐसा मान्यता अंग्रेज लोग इसके अंदर गए थे, फिर वो कभी वापस नहीं आए, तो इसे परमानेंटली जी क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसमें एक भी गलती होती तो इस मंदिर को पूरा बनाना पड़ता। यहाँ भी अंदर जाने का रास्ता है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर। सी आवर गोडेस, सारे चट्टान से बने हैं जी, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप देखें Look at the view boys, all the architecture, beautiful architecture। यहाँ पे जो कभी चट्टान हुआ करता था सबको काट के हटाया गया। How are you feeling? Great. Right. Beautiful pillar. तार के इमेजेस बने हुए हैं, नरसिंहा होता है, विष्णु होता है, देन होता है। तो ये जितने भी अवतार लिए गए भगवान के द्वारा, उन सबके मूर्ति यहाँ पे बने गए हैं। तो ऊपर जाएंगे, अभी हम देखेंगे सामने से। और ये जो उसका शिखर है, सबसे पहले वो शिखर बनाया गया था जी मेरे पास। और यही कैलाश टेम्पल है, 20 रुपीज़ के नोट में कैलाश टेम्पल, इसमें काट है। ये सारे बोल्स ये रामायण है, रामायण में जिन जिन भगवानों का अवतार हुआ था उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है। नरसिंहा अवतार, रावण, विष्णु भगवान, ओल द अवतार्स यहाँ पे बने हुए हैं। बॉयज यहाँ देख सकते हैं, सारे एलिफेंट के सींग को तोड़ दिया गया है, डिस्ट्रॉइंग आवर कल्चर। यहाँ से देखिए गेट पिलर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। खूबसूरत स्कल्पचर है। अभी हम जी ऊपर जाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मूर्तियों का ये टूटा हुआ है। मेरे साथ जी मेरीना है, वो इटली से आई हुई है। मुझे आज वो हॉस्टल में मिली, तो वो साथ में ही मेरे आ गई घूमने, मैं भी आ गया, मुझे भी कंपनी मिल गया। इसने मुझे धक्का दिया। अंदर का माहौल और अच्छा है। वाह, थोड़ा अंधेरा है लेकिन बेस्ट। डेट इज ए सिबलिंग विच यू हैव सीन इन डेथ प्लेस, आई विल सेम थिंग। ओके,
वाओ ब्यूटीफुल प्लेस है, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं जी। ये जी बॉयज रियल शिवलिंग है कैलाश टेंपल के अंदर, एलोरा केव्स के अंदर जगह है, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है जी यहाँ पे। क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, आप यहाँ से देखें पूरा का पूरा चट्टान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी। वो इस मरीना के साथ सेल्फी हो रहे हैं। ये सारे पुराने हो चुके हैं स्कल्पचर, लेकिन अभी भी इसे हम देख सकते हैं सारे चीज। ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर। ये जी गुफा है, यहाँ कभी कुछ मंदिर वगैरह होता होगा। लुक एट द व्यू बॉयज, लुक एट द व्यू। सेम थिंग, वहाँ पे शिवलिंग है, तो जब भी वहाँ पे जल अभिषेक होता होगा तो पानी यहाँ से आके यहाँ से जाता होगा। ये अलिए वाटर सीवरेज सिस्टम है। ये जी नदी है, उनका चेहरा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये जी आप देखो यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू है। जी वो एकदम नीचे आ गए हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम के। मैक्सिमम कैलाश टेम्पल जो है मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया है, काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप खुद आएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, वीडियोज़ में सारा चीज़ दिखाना मुश्किल होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीक्रेट गुफाज है यहाँ से जी, आप व्यूज देखे क्या खूबसूरत व्यू है। सारे चीज़ लिखे हुए हैं। मेरीना इंडिया डेल सूट, यस ओल्ड स्टाइल कल्चर दिस। क्या है देखते हैं। ये जी अच्छा व्यू है, आप देखें जी। मेरीना को थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए मैं अच्छे से घूम नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा आप जाओ आगे, मैं तो थोड़ी देर में कैच करता हूँ जी। भैया हम ऊपर भी जा सकते हैं। और दिस इज केव नंबर 10। हाँ मैं इसी का बात कर रहा था। ये बॉयज अंदर चलते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस बॉयज, शिवा। ये जी इसको हम स्कैन करेंगे तो हमें इसके सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ये केव नंबर 7, कुछ चीज़ों को बंद कर दिया गया है और वो केव खुला हुआ है। फ्रॉम हियर यहाँ से हम लोग वहाँ जाएंगे जी। वो ये आप देखें यहाँ से झरना बह रहा है, यहाँ से इसका व्यू है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। केव नंबर 5, ब्यूटीफुल केव जी। ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है और सारे चीज़ों को माउंट को कर्व करके बनाया गया है माउंटेन को। चलिए इंडिया 25 एंड फॉरेनर 300। ओ लिख के देंगे देना घर से बोलो। का मकबरा इट्स, ये मिनी ताजमहल है जी। अगर आप ताजमहल नहीं देखे तो ये आपको अच्छा लगेगा। कैमरा आप नहीं जा सकते इसमें, यू हैव टू पे 25। यहाँ पर मैंने पे कर दिया है जी, अभी अंदर जाएंगे। I don't know where Matina has gone. Should we go? There.
you will miss this place if you do not come. Boys, my English is not good. I'm sorry for that. ये जी फुव्वारा है, यहाँ पे आप जब रात में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आया था अपनी मदर के लिए। सो इसकी जो आर्किटेक्चर लगभग ताजमहल से मिलती है, इसे मिनी ताजमहल बोलते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जी और काफ़ी शांत इलाका है ये। फोटोस भाई एक लेते क्या? Boys, look at the view, boys. Wow, beautiful. यहाँ से जी व्यूज देखें। जब आप यहाँ पे खुद आएंगे तब आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे इस सारे जगह को। अभी मैं बस सो कर रहा हूँ थोड़ा मोड़ा। ये जी बॉयज, अंदर का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है। देखिए जी बॉयज, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये, देखिए आप। About India. Yeah, India is amazing. I love it. I will come back for sure and visit you, and then you will bring me to Varanasi, right? Okay. But you should come to Varanasi. This place as yes. well.